सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो 2019 के पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने साइंस का सॉल्यूशन कराया था। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे संस्कृत का प्रश्न पत्र, यानी कि सप्तम प्रश्न पत्र तृतीय सेमेस्टर 2019 को जो हुआ था उसका जो है वो बहुविकल्पीय और अति लघु सेक्शन का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला हमारा प्रश्न था जा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो क्या स्थान है इसका? ये जो है वो तालु होता है। तालु में हमारे चा छा जा जा यहाँ आते हैं, तो ये जो है आपका गलत बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। प्रश्न दूसरा था हमारा आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है, तो हम काफ़ी बार बता चुके हैं कि आप आजीवन को जब आप चेंज करते हैं जीवन भर में, तो यहाँ पर जो समास है वो हमारा हो जाता है अव्ययी भाव समास, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 3 है हमारा कि अगच्छत रूप है, तो ऑप्शन थे हमारे पास प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम एवं मध्यम पुरुष का, तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही होगा प्रथम पुरुष का। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मध्यम पुरुष में भी आता है, तो मध्यम पुरुष में अगच्छत जरूर आता है पर वहाँ पर ये जो ताक नीचे हलंत लगा होता है वो जो है वो नहीं होता है, तो केवल और केवल हमारा प्रथम पुरुष जो है वो उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न 4 है हमारा कि सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द कौन सा है? इसमें से सर्वेशु जो है हमारा सर्वनाम शब्द है। लास्ट हमारा बहुविकल्पीय था कि नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी होगी, तो इसमें जो है वो षष्ठी विभक्ति होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो प्रश्न 6 हमारा दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए, तो सूत्र क्या होता है इसका? अकाह सवर्णे दीर्घा, यही जो है हमारा दीर्घ जो संधि है उसका सूत्र होता है अकाह सवर्णे दीर्घा। आई होप जो है ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न 7 है हमारा कि सह साकम समम सार्धम शब्दों के योग से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है वो तृतीय विभक्ति जो है आपका उत्तर सही होगा, तृतीय विभक्ति। अगला प्रश्न 8 है हमारा न्यायात पताह प्रविचलंती पथम ना धीरा श्लोकांश का अर्थ लिखिए, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर पूछा गया था, और ये श्लोक जो हमारा होता है ये टोटल जो है 4 लाइन का होता है। एक्चुअल में यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन का जो है वो अर्थ पूछा गया था, यानी डायरेक्ट आपको श्लोक का अर्थ लिखना था, तो इसका अर्थ होता है कि जो धैर्यवान लोग होते हैं वो न्याय के मार्ग पर चलते हुए जो है वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं, या कह सकते हैं उनका जो पथ है वो कभी डगमगाता नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न 9 की, 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए, तो ये जो है आपका गलत बिल्कुल नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी 1 से लेकर 50 तक हमने गिनती बात की थी, और देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे गिनतियों से रिलेटेड, तो ये बिल्कुल भी आपका गलत नहीं हुआ होगा। एक विंशति जो है वो 21 को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा 10 है, सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा, तो सप्ताध्यायी में जो है हमारा द्विगु समास होगा, ये जो है वो संख्यावाचक को जो है वो दर्शाता है, जिस प्रकार अष्टाध्यायी में जो है वो द्विगु समास होता है उसी प्रकार सप्ताध्यायी में भी द्विगु समास होगा। लास्ट हमारा था 11 को प्रश्न की, असमत शब्द के तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए, तो हो जाएगा हमारा माम और आवाम और बहुवचन में हो जाएगा आसमान, ये जो है हमारा तीनों जो वचन है उसमें आ जाएगा, तो यही जो है हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो अति लघु सेक्शन है और बहुविकल्पी सेक्शन है वो समाप्त होता है। आपके जो है वो कितने प्रश्न सही रहे कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा, और आपका प्रश्न पत्र कैसा रहा ओवरऑल वो भी जो है कमेंट में टाइप करके जरूर बताइएगा। अगर थोड़े बहुत प्रश्न गलत हो रहे हैं तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि 1-2 नंबर कहीं ना कहीं तो सबका गलत ही हो जाता है, हर कोई भी व्यक्ति जो है वो परफेक्ट नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।